नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेट ट्रिक्स के अंदर, जिसके अंदर हम आपको ट्रिक के माध्यम से CDP का और कराते हैं। और फ्रेंड्स, YouTube पे इकलौता एक ऐसा चैनल है जहां पर हम आपको मैक्सिमम CDP को ट्रिक से कवर कराने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आज आपको हमारा टॉपिक दिख ही रहा होगा, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में बनाए गए विभिन्न आयोग, जो कि फ्रेंड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, यहाँ से आपको एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, यूपी टेट वालों के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो इन सभी आयोग को हम बहुत ही प्यारे ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे, आपको जरा भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कौन सा आयोग कौन से साल में बना। ठीक है फ्रेंड्स, सो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है। और हमने लास्ट में क्विज भी लगा रखा है, इस पूरी वीडियो को ट्रिक से समझने के बाद बहुत ही आसानी से आप उन सारे क्वेश्चनों को उड़ा दोगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए थे। सो बिना किसी देरी के, बिना आपका टाइम वेस्ट किए, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सो फ्रेंड, अभी मैं आपको एक बहुत ही प्यारी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, तो उसको आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, समझना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखना आपको ये सारे आयोग सेकेंडों के अंदर याद हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो 1947 के बाद स्टार्ट होती है। ठीक है, आप सबको पता है 1947 में हमारा देश आजाद हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, इस पर हमने इन सभी आयोग को अपनी बहुत ही प्यारी ट्रिक के माध्यम से तैयार कर रखा है। देखो फ्रेंड्स, उसके बाद क्या होता है कि जो, क्योंकि 1947 में हम आजाद हो जाते हैं, तो हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो कहती है कि अभी हमें शिक्षा के अंदर काम करना है और बच्चों के लिए विश्वविद्यालय बनाने हैं। ये बात कब करती है वो, आजादी के बाद 1948 में और 1949 के बीच ये बात होती है कि हमें बच्चों की शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय बनाने हैं 1948 और 1949 में। ठीक है, लेकिन जैसा आप सबको पता है, गवर्नमेंट सिर्फ कहती है, काम नहीं करती। तो 48 के 4 साल बाद, 4 साल गुजर जाने तक गवर्नमेंट ने कुछ काम नहीं किया। अब आ गया 1952। ठीक है, 1952 में कौन सा आयोग बना था, मुदालियर आयोग। अब क्या होता है, 1952 आते आते तक जो विपक्ष है ना, वो मुद्दा बना देता है, मुदालियर का मुद्दा निकाल लेंगे, इस बात का मुद्दा बना देता है कि आपने तो कहा था कि विश्वविद्यालय बनेंगे, अभी तक कुछ भी विश्वविद्यालय नहीं बने 1952 तक। ठीक है, इसके बाद क्या होती है, जांच पड़ताल होती है, और जांच पड़ताल में पता चलता है कि विश्वविद्यालय तो बने नहीं, बल्कि जो कोठारी आयोग है ना, जो इसका कोठा निकालेंगे, जो छोटे छोटे कई ऐसे कोठे बना दिए गए। कितने कोठे बनाए गए, ऐसे 64 कोठे बनाए गए हैं, विश्वविद्यालय तो बने नहीं लेकिन उनकी जगह ऐसे 64 कोठे बना दिए गए हैं। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखो अब कोठा में जो ठ आता है पीछे, इसी तरह आप जब 64 को लिखते हो जो 64 के पीछे भी ठ आता है, उससे भी आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो कितने कोठे बनाए गए, 64 कोठे बनाए गए, तो ये 1964 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होता है, अब सरकार क्या करती है कि राष्ट्र के लिए, देश के लिए एक शिक्षा नीति तैयार करती है। ठीक है, यह कब की बात है, यह करती है 1986 के अंदर। अब इसको कैसे याद करेंगे, चलिए देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, अब आपको 1986 अगर याद नहीं हो रहा, तो आपको एक जो सन है 1983 तो याद होगा ही होगा, क्योंकि 1983 में इंडिया ने क्या जीता था, वर्ल्ड कप जीता था। अब देखो इसको कैसे रिलेट करेंगे, 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, और वहां से जो भी रुपये आए, उन सभी रुपयों को वहां की गवर्नमेंट ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने के लिए यूज कर लिया। ये कब किया, 3 साल बाद, 3 साल बाद क्या, कब, 1986 में। ठीक है, उन सभी पैसों का यूज 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने के लिए कर लिया गया। ठीक है, यहां से याद हो जाएगा, 1983 दिमाग में आ जाएगा ना, तो उसके बाद 1986 भी आ जाएगा। ठीक है, अब जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है, शिक्षा देनी है बच्चों को, तो ब्लैक बोर्ड का होना भी बहुत जरूरी है। ब्लैक बोर्ड होगा ना, ब्लैक बोर्ड से ही तो आप बच्चों को पढ़ा पाओगे। तो ब्लैक बोर्ड भी जब 86 में अगर शिक्षा नीति बनी है, तो उसी साल भी आप ब्लैक बोर्ड भी लगाओगे, बच्चों के लिए लाओगे। तो 86-87 में क्या क्या गया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, आयोग बना। अब इसके बाद क्या होता है, देखो दो तरीके है, अगला जो है ना हमारा आचार्य राममूर्ति समिति, जो कि 1990 में गठित की गई थी, इसके दो तरीके है। पहला तरीका ये है कि 1986 के 4 साल बाद क्या होता है, सरकार जो होती है धर्म जो होता है, धर्म को अपने सिलेबस के अंदर इंक्लूड कर देती है। ठीक है, अब धर्म में आ गया, राम आ गया। ठीक है, धर्म के अंदर राम आ गया। अब दूसरा तरीका क्या है, पहला तरीका तो ये था 1986 के 4 साल बाद, मीन 1990 में, पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, अब जो 1990 का जो साल था ना, उस साल में क्या किया था, बीजेपी जो थी ना, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो की है, बीजेपी ने
राम मंदिर के लिए एक बहुत ही बड़ा आंदोलन किया था। राम मंदिर के लिए 1990 में बीजेपी ने आंदोलन किया था, ठीक है। तो जब भी आ जाए राम मूर्ति समिति, तो यहां से डायरेक्ट आप कनेक्ट कर जाओगे कि राम के मंदिर के लिए आंदोलन बीजेपी ने 1990 में किया था, ठीक है। तो यहां से ही आपको याद हो जाएगा। अब उसके 2 साल बाद क्या होता है, उसके 2 साल बाद क्या होता है कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ये एक आयोग बनता है, ठीक है। 2 साल बाद मीन्स 1992 में, 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन मीन्स एक स्पेशल प्रोग्राम तैयार किया जाता है। एक्शन मीन्स क्या कुछ कार्य करना होगा, क्या कुछ कार्य करना होगा उसके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम कब तैयार किया जाता है, 1992 में बीजेपी ने जो राम मंदिर का आंदोलन किया था उसके 2 साल बाद, ठीक है। अब और जो प्रोग्राम तैयार किया जाता है ना, उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो यशपाल होते हैं, यशपाल होते हैं। उसके अध्यक्ष जो होते हैं, उस कमेटी का अध्यक्ष कौन होते हैं, यशपाल होते हैं। और इसको कैसे याद करेंगे, यशपाल समिति जो कि 92-93 में दी गई थी, जो यशपाल जो होते हैं ना, उनकी जो एज होती है ना, उनकी एज 92 या 93 साल के बीच की होती है, ठीक है। उनकी एज क्या होती है, 92-93 साल के बीच की होती है, इसलिए हम इसे याद कर लेंगे 1992 से 1993। अब उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया उस कमेटी का, तो वो क्या कहते हैं कि बच्चों के लिए भाई अभी वो मिड डे मील की योजना तैयार कर देते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील की योजना तैयार कर देते हैं। और ये कब करते हैं, 1995। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे, देखो आप सबको पता है मिड डे मील जो होता है वो 6 से 14 साल तक के बच्चों को दिया जाता है, ठीक है, इतना आप सबको पता है। अब देखो ये 14 आ रहा है ना, इस 14 को कैसे कनेक्ट करते हैं, देखो 1995 अगर आपको याद ना है ना, तो लेकिन 14 तो आपको याद रहेगा, तो आप देखो जो 95 है ना उस दोनों को ऐड करो, 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 14 बनते हैं ना, तो ऐसे आपके दिमाग में आ जाएगा कि कब दिया था, 1995 में, ठीक है, 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री भोजन व्यवस्था। अब उसके बाद जसपाल जी ने ये भी कहा था कि भाई सर्व शिक्षा अभियान, कि सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, ये कब था, ये था 2001 में। अब इसको कैसे याद रखेंगे, अब 2001 में से जो एक है ना, इसको हम डिनोट कर लेंगे कि भाई उन्होंने कहा कि हर एक बच्चे को, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, एक ऐसा अभियान चलाया गया जिसमें सबको शिक्षा, हर एक बच्चे को, ठीक है। तो एक आ जाएगा, अब क्योंकि 95 के बाद की बात हो रही, तो ऑब्वियस सी बात है 2001 ही आएगा, 1991 तो आएगा, या कुछ ऐसा तो कोई दूसरा सन तो आएगा ही नहीं, 1995 के बाद तो 2001 ही आएगा, ठीक है, कि हर एक बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा सर्व शिक्षा अभियान, ये कब दिया था, 2001 में। सो आई होप ये सभी आपको याद हो गए होंगे। एक बार फिर से मैं आपके लिए फटाफट इसको दोहरा देता हूँ, ठीक है। क्या होता है, 1947 में हमारा देश आजाद होता है, तो हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो 1948-49 के बीच क्या कहती है कि भाई बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ विश्वविद्यालय हम बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की बात कब हुई, 1948-49 में, ठीक है, ये आयोग बनाया गया, ठीक है। लेकिन उसके 4 साल तक सरकार कोई काम नहीं करती, तो 48-4 52, 52 में क्या होता है, एक मुद्दा बन जाता है इस बात का, तो मुदालियर आयोग, मुदालियर आयोग कब दिया, 1952 के अंदर बनाया गया, ठीक है। अब फिर क्या होता है, उसके बाद जांच पड़ताल होती है, जांच पड़ताल में पता चलता है कि विश्वविद्यालय तो बनाए बनाए नहीं गए, कोठे बना दिए, कितने कोठे बनाए गए, ऐसे 64 कोठे बना दिए गए, ठीक है। ठह से कोठे में ठह आता है, 64 में भी ठह आता है, यहाँ से भी आ सकते हो, 1964 में कोठारी आयोग, ठीक है। इसके बाद सरकार क्या करती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाती है, ठीक है, राष्ट्रीय के लिए एक अलग से शिक्षा नीति बनाती है, कब है, 1986 में। इसको अगर 1986 याद नहीं होता, उसके पास क्या है, 1983, 83 में इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, तो उससे जितना भी जो पैसे आए थे उन सबको राष्ट्रीय की शिक्षा के अंदर लगा दिया गया, उसके 3 साल बाद, तो इससे 1986 आप याद कर लोगे, ठीक है। अब आपको पता है जब शिक्षा देनी है बच्चों को तो स्कूलों में ब्लैक बोर्ड भी होने चाहिए, तो ब्लैक बोर्ड भी उसी साल लाए जाएंगे, तो 1986-1987 में ये ब्लैक बोर्ड भी दे दिए गए उसी साल के मध्य, ठीक है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब हो जाएगा, 1986-1987 में। अब उससे अगला था उसके, या तो 4 साल बाद वाला कर लो, 4 साल बाद की धर्म को सम्मिलित किया गया तो राम आ जाएगा, या फिर दूसरा मैंने आपको बताया था कि 1990 ने बीजेपी ने राम मंदिर का एक बहुत बड़ा आंदोलन आंदोलन खड़ा किया था, ठीक है। तो वो कब के था, 1990 में। तो जब भी आ जाए आचार्य राम मूर्ति समिति, तो ये कब की बात है, 1990 की, ठीक है, ये 1990 में बनाया गया। अब उसके 2 साल बाद क्या होता है, एक प्रोग्राम बनाया जाता है एक्शन का, कि क्या क्या काम किया जाए, ये कब, उसके 2 साल बाद किया जाता है, मीन 1992 में। और उस प्रोग्राम के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रोफेसर यशपाल होते हैं, जिसकी उम्र 92 से 93 साल के बीच होती है, ठीक है। तो यशपाल समिति 92 से 93, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा कि भाई मिड डे मील योजना बनाई उन्होंने कब, 1995 में। अगर 1995 याद नहीं रहे तो मैंने क्या बताया था, 6 से 14, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री भोजन की व्यवस्था। अब 14 कैसे बनेगा, 9 और प्लस 5 में जोड़ देंगे तो 14 बन जाएगा, ठीक है। तो 1995 ऐसे याद रख लेंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि सर्व शिक्षा अभियान की सभी बच्चों को शिक्षा, सबको शिक्षा दी जाएगी,
सब ऐसा अभियान चलाया जाए जिसमें सबको शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। तो ये कब चलाया गया, 2001। तो मैंने क्या कहा था, हर एक बच्चे को, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली बात है, 95 के बाद हम सीरीज से पढ़ रहे हैं तो 2001 आएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ अभी सारे आपको याद हो गए होंगे, ये अभी सारी डेट आपको जिंदगी भर के लिए याद रहेगी और आप इन्हें कभी नहीं भूलोगे, ठीक है फ्रेंड्स। अभी बढ़ते हैं क्विज की तरफ, ऐसे क्वेश्चंस की तरफ जो कि एग्जाम में पूछे गए थे, अभी देखना आप कैसे उनको सेकंडों में उड़ा दोगे, ठीक है फ्रेंड्स। सो अभी बढ़ते हैं अपने क्विज की तरफ। सो फ्रेंड, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई थी। अब देखो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई थी, अब जैसे आप ऑप्शन देखोगे पूरी स्टोरी आपके दिमाग में घूम जाएगी और फटाफट आप इसका आंसर भी दे दोगे, ठीक है फ्रेंड्स। अभी तक तो आपने इसका आंसर दे भी दिया होगा। अभी देखते, पहला ऑप्शन 1980, नहीं 1980 कहीं बात नहीं हुई, 1990 की तो कहीं बात नहीं हुई। 1990 में तो वो पता है राम मंदिर के लिए आंदोलन हुआ था, तो उसके लिए तो दूसरा कमेटी गठित की गई थी, ठीक है। तो 1990 में तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात नहीं हुई। 2001 में दूसरा था सर्व शिक्षा अभियान वाला, ये भी नहीं होगा। 1986, जैसे आप 1986 देखोगे पूरी स्टोरी दिमाग में घूम जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 विल बी इट्स राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपने भी ऑप्शन 3 इसका राइट क्या होगा। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मुदालियर आयोग का गठन कब हुआ। अब देखो, मुदालियर से मुद्दा, मुद्दा कब बना था, मुद्दा तब बना था 1948 से 49 के बीच, तो पहले विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बना कि भाई शिक्षा दी, शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे, लेकिन 4 साल तक कोई काम नहीं हुआ था, ठीक है, इसलिए इस बात का मुद्दा बना था ना। तो अभी देखो आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखते आपको सब कुछ याद आ जाए। 1948 नहीं, 1952 विल बी इट्स राइट आंसर होगा, 1952, 4 साल बाद मुद्दा बना था, ठीक है। थर्ड गलत होगा एंड फोर्थ भी इसका गलत होगा। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1952। आई होप आप सबने इसका राइट आंसर 1952 ही दिया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो अगर मजा आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। सो अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मध्यान्ह भोजन योजना कब लागू की गई, जिसे मिड डे मील कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे आप मिड डे मील सुनोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगी भाई 6 से 14 साल के बच्चों के लिए ये लागू की गई थी, ठीक है। अगर आपको सन भी याद नहीं है तो मैंने क्या बताया था, 6 से 14, तो लास्ट वाला जो 14 है ना, जिस भी ऑप्शन में बनेगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 2001 नहीं बन रहा इसमें लास्ट में, 1982 में भी नहीं बन रहा, 1995, आप देखो 1995, 95 और 5 कितने बन रहे, 14 बन रहे, ठीक है। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 विल बी इट्स राइट आंसर, 2005 भी नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो आई होप आपने भी इसका राइट आंसर 1995 ही दिया होगा। सो अभी बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोठारी आयोग का गठन कब हुआ। कोठारी, कोठारी को किससे रिलेट किया था हमने, कोठे से, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको पूरी स्टोरी आपके दिमाग में घूम जाएगी, अगर आपको पूरी स्टोरी हमारी समझ में आ गई है तो बहुत ही आसानी से आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर दे दोगे। इसके 4 ऑप्शन है, 1952, 1964, ठीक है, 1986, 1990। सो इसका जो भी राइट आंसर होगा, फ्रेंड्स, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है। सो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और हमारी जो ट्रिक थी वो भी आपको पसंद आई होगी और ये अभी आपको जिंदगी भर के लिए याद रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सो अगर वीडियो पसंद आए तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक कर देना है और फ्रेंड्स इस वीडियो को 10 लोगों के बीच जरूर शेयर करना, जो भी यूपी टेट, सी टेट या किसी भी अन्य टेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और फ्रेंड्स ऐसी ही मजेदार ट्रिक्स अगर आप और चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो फ्रेंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मजेदार ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।